हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसिडर अ थिन स्क्वेयर शीट ऑफ साइड एल एंड थिकनेस टी मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो। द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट फेसेस शोन बाय द शेडेड एरिया इन द फिगर इज। तो इस क्वेश्चन में हमें एक थिन स्क्वेयर शीट दी है जिसकी साइड एल है और थिकनेस टी है, रेजिस्टिविटी है वो रो है। तो ये जो दो शेडेड रीजन आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, इन शेडेड रीजन के बीच का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में हमें बात करनी है कि वो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, सेकंड ऑप्शन कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस के, थर्ड ऑप्शन कहता है इंडिपेंडेंट है लेंथ के, एंड फोर्थ ऑप्शन कहता है इंडिपेंडेंट है टी के। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है। The key concept of this question is resistance. Resistance. तो हमारे पास resistance का formula होता है R is equal to rho, जो कि resistivity होती है, length upon area. अब हमें जो length given है वो capital L given है, और area जो हो जाएगा that is equal to length into thickness. तो LT area हो जाएगा। अब इसे हम इस formula में put करते हैं तो R is equal to resistivity into capital L upon capital L into T। तो यहाँ से L cancel out हो जाएगा तो resistance आ जाएगा हमारे पास resistivity upon thickness। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि resistance जो है वो resistivity पे depend कर रहा है और thickness पे depend कर रहा है, तो length के independent है ये, ठीक है। तो इस question के accordingly resistance is independent of length, तो length पे depend नहीं कर रहा है resistance इस case के अंदर। तो आइए options check करते हैं। तो options के according हमारा जो C option है that is independent of L, ये correct होगा। तो I hope you will understand this question।